नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में यदि आप कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। हम रोज पितृपक्ष के विषय में एक दो वीडियो लाते रहते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की यह वीडियो भी इसी से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपके पितृ आपसे नाराज है और क्या आपको लगता है कि आपके पितृ की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में भूलकर भी इन 5 फल और सब्जियों को मत बनाना और नहीं खाना, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। और यदि एक बार श्राद्ध में आपके पितृ से नाराज हो गए तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी जान सके कि इस पितृपक्ष में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राज योग काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष में यदि आप इन 5 बातों का ख्याल रख लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा और आपके पितृ आपसे खुश होकर आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट हर हर महादेव लिखना ना भूले। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना होगा। दोस्तों, शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं, यदि उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृ दोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस तरह पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंच बलि भी दी जाती है। किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन किया जाता है और ना ही पितरों को या ब्राह्मण को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी ये चीजें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। किंतु यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वह भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं, या फिर जिन पितरों को नॉन वेज पसंद होता है तो वह नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन मीट और अंडे का प्रयोग करना
वर्जित बताया गया है। यदि आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाएं वह बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाए, ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन बनाए वह बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का होना चाहिए। और ध्यान रखें, पितृपक्ष दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडा का प्रयोग भूलकर भी ना करें, शराब का सेवन भी ना करें, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके द्वार पर आए उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं। यदि ऐसे में आप पितृवशी भोजन दे देंगे तो इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन आप स्वयं करें और ना ही किसी को दे। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित होता है, ये तक कि चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के बेसन का प्रयोग कर सकते हैं, बेसन से सब्जी बना सकते हैं, किंतु काले चने और भुने चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान ना करें। पितृपक्ष के दौरान चने के सत्तू के अलावा और भी किसी भी प्रकार के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौरी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। पितरों के भोजन में कच्ची चीज, चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में चावल, दाल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, किंतु पितरों का जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराए, उसमें चावल, दाल और रोटी ना बनाए। पितरों का जो भोजन बनाया जाएगा उसमें आप और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े वगैरह बना सकते हैं, किंतु दाल ना बनाएं। दाल में पितृपक्ष के दौरान आप मसूर की दाल का सेवन ना करें, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, किंतु पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाई, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, विशेष तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है, इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, किंतु खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाए या ब्राह्मणों को जो भोजन कराए या पंचबलि लगाए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही ढालें। शास्त्रों के जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, किंतु जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं उसे भूत, पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, पितरों के भोजन में काले तिल ढालकर ही आप पितरों को भोग लगाए। काले तिल भूत, पिशाच, चोर से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कभी किसी दूसरे व्यक्ति का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति का भोजन भी ना करे, किसी दूसरे के घर जाकर
ना तो भोजन करें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के रुपयों का। आप भोजन करें। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। यह पितृ की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। इन दिनों में आप थोड़े से प्रयास से ही अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि आप एक छोटी सी भी गलती पितृपक्ष के दौरान कर देंगे तो इससे आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। भूल कर भी इन चीजों का पितृपक्ष के दौरान ना करें और ब्राह्मणों को भोज कराते समय भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको आपके पितरों की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान आपको क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं, पितृपक्ष में क्या ना करें। ज्योतिषियों की माने तो पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, उनकी कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान कई चीजें खाने की मनाही है, इनमें साग प्रमुख है। अतः पितृपक्ष के दौरान साग का सेवन बिल्कुल ना करें। आप अपने कुल पंडित से भी इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नियम होते हैं, अतः स्थानीय नियमों का पालन अनिवार्य है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव जंतु और पक्षी को ना सताएं, ऐसा से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं, अतः घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, पितृपक्ष में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अतः पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम ना करें। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान नवीन वस्त्र धारण करना भी वर्जित है, अतः ऐसे कार्य करने से परहेज करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना पितरों को जल का अर्घ्य दे, साथ ही पितृ को भोजन दे। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख कर सरसों के तेल का दीपक जलाए। आसान शब्दों में कहें तो पितरों की रोजाना संध्या आरती करें। पितृपक्ष के दौरान सत्य कार्य करें, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न जल और धन दें। आप आर्थिक के अनुरूप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय में परोपकार और समाज सेवा करें, साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। जानवरों को भोजन खिलाएं और पक्षियों को दाना दें। वहीं पितृपक्ष में महिलाएं रखें। इन छह बातों का विशेष ख्याल। पितृपक्ष में महिलाओं को शाम के समय दिया जरूर जलाना चाहिए। ध्यान रखें कि पितृपक्ष में रोजाना एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ करके घर के बाहर रख दें। जो लोग फ्लैट आदि में रहते हैं वह अपने घर की बैल्कनी में दक्षिण दिशा में करके दिया जला सकते हैं। पितृपक्ष में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि घर परिवार में वाद विवाद ना करें। महिलाएं कोशिश करें कि वह अपने परिवार में तालमेल बनाकर रखें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध तर्पण का खाना ना बनाएं। यदि घर में कोई अन्य महिला है तो आप उनसे बनवा सकती हैं, या फिर घर का लड़का भी खाना बना सकता है। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय घर में झाड़ू या अन्य साफ सफाई का काम ना करें। पितृपक्ष में हर दिन जब भी खाना बनाए उसमें से एक हिस्सा पहले ही निकाल कर पितरों के नाम से गाय को जरूर खिला दें। ऐसा आपको तिथि पर करना जरूरी है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।